जिन्नी भी संगत बैठी हो सारी संगत प्यार दे नाल आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। ए भाई गुरदास जी दी उच्चारण कीती हुई वार जिस दे विच भाई गुरदास जी सानू समझा रहे ने प्यारिया जो ओ करण वाला परमात्मा निरंकार कर रहा है हर ओदे कीते दे जो ओ कर रहा है हर ओदे कीते नू मन के ओदा शुकराना कर। वैसे एक बेनती दास करे संगत नू ओदा सत्संगियो है अवस्था ए बड़ी वड्डी जे गुरु कृपा करके देवे। संत अत्तर सिंह जी दे कोल कुछ प्रेमी बैठे सी ते महापुरशां दी मौज आई कि अज झोली कुछ पाउणा है ते बाबा अत्तर सिंह जी कहण लगे गुरमुख प्यारियो दसो गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास कच्ची क्लास ते गुरु नानक दे घर दी अखीरली क्लास केड़ी है। आखो सतनाम जिहड़े प्रेमी बैठे सी सारिआं ने हथ जोड़ ले महापुरशो आप जी की सुमत बख्शो। ते उस वेले संत बाबा अत्तर सिंह जी आखण लगे गुरु नानक दे घर दी कच्ची क्लास है गुरमत रिदे गरीबी आवे कि हिरदे दे विच निम्रता आ जानी ए गुरु नानक दे घर दी कच्ची क्लास है। जरूर पायो झाती जे निम्रता आई ते समझ लैना गुरु दे स्कूल दे विच दाखला होया है ते जे अजे तक अंदर निम्रता नहीं आई ते समझ लैना अजे तक गुरु नानक दे घर दी कच्ची च भी दाखल नहीं होया। आखो सतनाम ए गुरु नानक दे घर दी कच्ची क्लास गुरमत रिदे गरीबी आवे
ते महापुरशो दूजी भी सुमत पाओ। अखीरली कलास केड़ी, सब तो उच्ची कलास केड़ी, ते संत बाबा अत्तर सिंह जी मस्तू आने वाले आखन लगे, गुरु नानक दे घर दी अखीरली कलास सब तो उच्ची कलास, ओदा भाणा मिठा करके मनना ते रब दी रजा च रहना। आखो सतनाम, ये सब तो उच्ची कलास है, सब तो उच्ची ओदी रजा च रहना। जिनी भी संगत बैठी हो है बड़ी उच्ची है कलास। बाकी महापुरश रस्ता दसदे सी के ए अवस्था बन जावे ओदे लई निके निके ढंग ने, निके निके ढंग अपना लै। वो केड़े ढंग? जिनी भी संगत बैठी को प्यारे हो, हर बंदा ए गल चाहुंदा है कि हर कम मेरी मर्जी नाल होवे, हर कम मेरी मर्जी नाल। हर कोई ए चाहुंदा मैं एदना चाहुंना सा, उन्हें एदना क्यों नहीं कीता, हर कम मेरी मर्जी नाल क्यों नहीं हो रहा। जद तक अंदर मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी है प्यारे हो, उदों तक गुरु की प्रसन्नता नहीं, उदों तक गुरु की खुशी नहीं। अपनी मर्जी छड़ के जो कुछ भी हो रहा है गुरु की मर्जी दे नाल मर्जी मिला देवे ते ये अवस्था बननी शुरू हो जाती है। आखो सतनाम, कहते जी कई ना समझो, गुरु की मर्जी नाल मर्जी मिलानी की। अरदास, हिंदू धर्म के एक महापुरश ने, औरत ने, औरत संगत दे नाते बहुत प्यार, बच्चियां वांग मैनू प्यार देंदे ने। दास ने काफ़ी वड्डी उम्र दे, ते जदों भी सत्संग करदे ने 50-50 हज़ार संगत दे प्रेमी जुड़दे ने। ते एक दिन दास दा जदों उन्हां दे नाल मेल होया ते मैनू उन्हां ने बचन सुनाया, कहण लगे कि एक दिन साडे महापुरशां दा फोन आया, जिन्हां नू अगों मनदे सी, जिन्हां दा सत्कार, जिन्हां दी संगत प्राप्त सी। कहिंदे एक दिन सानू साडे महापुरशां दा फोन आया, वह भी औरत। कहिंदे की फोन आया कि जल्दी नाल आओ, तबीयत बहुत ढिली है। कहिंदे जदों मैं गई जाके महापुरशां नू वेखिया, बिस्तरे ते लम्मे पए ने, ग्लूकोज चढ़ रहा, कुछ समा पहले खून भी चढ़िया, आ उंगली दे उत्ते चुंडी जी लाई जिदे नाल हर वेले ब्लड प्रैशर चैक हो रहा प्यारे हो, खून दियां बोतलां भी चढ़ियां ने, ब्लड प्रैशर भी हर वेले चैक, ECG भी खोर, ग्लूकोस भी चढ़ दे। इन्नी बुरी हालत वह महापुरशां दी कि सारा लैटरिंग पेशाब ये चीज़ां बिस्तरे ते ही हो रही ने। वो मैनू सुना रहे, कहिंदे जदों मैं गई महापुरशां दी ये हालत वेखी ते उस वेले मैं महापुरशां नू आखिया, महापुरशो तुहाडे ते एडा वड्डा बुरा समा आया, इन्ना तुहाडे ते कष्ट आया है, ये क्यों? ते कहण लगे उस वेले महापुरश ये गल सुन के हस पए, कहिंदे दुख का समा कदा आया। आखो सतनाम, दुख का समा कदा आया? कहिंदे दुख ही ते है कि ग्लूकोस तुहानू लगा पहले खून चढ़े है, आ लैटरिंग पेशाब सारिया चीज़ां बिस्तरे ते हो रही ने, दुख का समा नहीं ते होर की है। ते कहण लगे महापुरश हस के मैनू आखदे, पुत्र दुख का समा मेरे ते कदा आया है, निरंकार ने दोबारा मैनू बच्चा ही बना दिता है। आखो सतनाम, दोबारा बच्चा ही बनाता है, ये बच्चा ही हुंदा है जेड़ा सब कुछ बिस्तरे ते करदा है। सही मैणियां च मैनू ये दुख नहीं दिता, बीमार नहीं किया, सही मैणियां च मैनू समा दे दिता है कि मंजे ते लम्मे पै जा ते हर वेले सिमरन करदी रहे। आखो सतनाम, प्यारे आम बंदा जरा जिन्हें रब दुख दे देवे, ओ दुख दे विच रब नू ताने मेहने देंदा है, होर दुखी हुंदा है। जरा जिन्ना उस गुरु दी मर्जी दे विच दुख दित्ते दे विच सुख लभना शुरू कर देवे, अपनी मर्जी छड़ के गुरु दी मर्जी दे नाल मर्जी मिलाउणी शुरू कर देवे, दुख दे विच रहिंदा बंदा भी दुखी नहीं हुंदा। तां ही ते मेरे सतगुरु कह रहे ने, सतगुरु सतगुरु होए दया।
सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए। दुख है पर ना जानिए, ना जानिए। आ जिन्नी भी संगत बैठी हो सारियां नू बेनती है गुरु अगे उदा अरदास करो, सतगुरु कदी भी इम्तिहान ना लवे, परचा ना पावे। परचे चो हर वेले ही असी फेल खां फेल खां, पर जो भी वह निके मोटे किते दुख दे रहा है हर दुख दे विच्चों सुख लपना आ जावे, अपनी मर्जी छड़ के गुरु की मर्जी नाल मर्जी मिलाउणी आ जावे ते ये अवस्था बननी शुरू हो जाती है। आ बाबा नंद सिंह जी महापुरशां ने संगत ने बेनती की महापुरशां नू कि बाबा जी आप जी कृपा करो, साढ़े नगर का गुरद्वारा है तो नगर के गुरद्वारा जोड़ा बन रहा वो इट अपने हाथों रखो। उदा बाबा जी ने सारी जिंदगी किसी गुरद्वरे की इट नहीं रखी, इट नहीं रखी, केवल यो ही रखी है। तो उस तो बाद की बनया वो आप जी सरवण करना। आ संगत ने जो बेनती की महापुरशो आप जी कृपा करो बख्शिश करो साढ़े गुरद्वरे की इट तुसी रखनी, गुरद्वारा बना रहे। महापुरशों ने समा देता जो इट रखण दे लई पहुंचे अरदास होई, महापुरशों ने बाबा नंद सिंह जी ने जिस ढंग दे नाल इट रखी अरदास करके, मिस्त्री थोड़ा अणजाण उन्हूं इन्नी गल दी नहीं सी सोझी कि नाम जपण वाला जिस ढंग दे नाल भी इट रख देवे उन्हूं हिलाउणा नहीं चाहीदा, उहदे उपर ही सीमट पा के अगां होर तरह उसारी अपने ढंग नाल शुरू कर लेनी चाहिए, पर उन्हूं नहीं हिलाउणा चाहीदा। मिस्त्री सी अणजाण, उन्हें जिवें बाबा नंद सिंह जी ने इट रखी वो इट अपने ढंग दे नाल ठीक करनी चाहिए, तो इट हिला दिती। तो उस वेले बाबा नंद सिंह जी कहिंदे ओ मिस्त्री ये की कीता, ये की कीता। हुण 5-10 सकिंटां दे लई मन च आई तो थोड़ी गल जरूर, पर उस वेले वेखो अपनी मर्जी छड़ के हुण गुरु की मर्जी नाल किवें मर्जी मिला रहे। पहले कहिंदे मिस्त्री ये की कीता, इट हिला दिती। 5-10 सकिंटां बाद ही कहण लगे ओ हो मिस्त्री तेरा भी कोई कसूर नहीं, लगदा साड़ी रखी हुई इट गुरु नानक नू चंगी नहीं लगी। हख सतनाम, साड़ी रखी इट गुरु नानक नू चंगी नहीं लगी, अज रखी है अज तो बाद रखनी कोई नहीं। आ पहले थोड़ी जी आई जदों अपनी मर्जी ये की कीता तू, पर जदों गुरु की मर्जी नाल मर्जी मिलाउणी शुरू कर दिती ते फिर प्यारे उस तरह ही आनंद आंदा। ये निके निके ढंग ने जो भाई गुरदास जी कह रहे ने, कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, उदा ये अवस्था बहुत उच्ची नहीं बन सकती, पर आ निके निके किते ढंग अपना लईए तो ये अवस्था बननी शुरू हो जाती है। किवें कह रहे भाई गुरदास जी, एक बार ये पढ़ लो पंक्तियां, उस तो बाद जिवें भी महाराज सेवा लैणगे आप जी दे दर्शन सारे करो जी कृपा प्यार नाल। सोझी देन दे लई एक गाथा सुनाउंदे सी, कहिंदे एक बंदा किसे महापुरशां दे कोल गया ते जाके बेनती कीती महापुरशो मैनूं सुख चाहीदा। ते उस वेले महापुरशां ने बड़ा समझाया, जदों ना समझिया ते समझाउण दे लई की कहिंदे बई तैनूं सुख चाहीदा, जी हाँ सुख चाहीदा। ते महापुरश कहिंदे सारे नगर च जा
ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ, ਸੇਠ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10-12 ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੇਠ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੇਠ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਏ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਰਦ, ਹਾਰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਭਾਲਦਾ ਭਾਲਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਰ 3 ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੌਂਦ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਠਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਬੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ ਸੇਠ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ,
आ जिहड़ी रब ने मैनू शुगर की बीमारी दे दित्ती है, हो सकता है रब निरंकार मैनू गुरमुख वाली अवस्था देना चाहुंदा होवे, घट खाण वाली। आखो सतनाम, भावें दुख है पर दुख च रहिंदा बंदा भी दुखी नहीं होएगा, सुखी रहेगा जदों ओहदी मर्जी नाल मर्जी मिलाउणी शुरू करती। जिहड़ा लीडर है कहिंदा 5 केस कीते ने विरोधी पार्टी ने ओहदे उत्ते, ओह भी सुखी हो सकदा। जेडे 3 केस झूठे ने उन्हां लई भी उपराला करे, ते जेडे 2 केस सच्चे होए ने लीडर दी गलती है जिहदे विच, ओह अपने मन च धार लवे। जेड़ा बंदे नूं बंदे दी गलती दसे सही मैणिआं च, असली मित्र ओही हुंदा है। आखो सतनाम, जिहड़ा उहनूं चापलूसी करे ओह मित्र नहीं, ओह ते डोब रहे। जिहड़ा बंदे नूं सही मैणिआं च सामणे बहि के प्यार नाल ओहदी गलती समझा देवे, ओहदा मित्र असली ओह है। कहिंदा लीडर अपने मन च इह गल धार लवे, जिहड़े 2 केस सच्चे होए ने, जे ओह मैनूं इउं महसूस हुंदा जिवें रब मेरियां गलतियां दे करके अगां तों गलती मैं ना करां, ओह गलतियां नूं सुधारन दे लई इह केस करवाए ने। आखो सतनाम, दुख ते है केसां दा पर दुख च रहिंदा बंदा भी दुखी नहीं होएगा। गज के आखो सतनाम। जिन्नी भी संगत बैठी सारिआं नूं बेनती है, ये महापुरशां ने केवल उहनूं नहीं समझाया, सानूं भी समझाया कि हर बंदा अपनी मर्जी दे नाल हर काम करना चाहुंदा, अपनी मर्जी छड के गुरु दी मर्जी नाल मर्जी मिला देवे, ते फिर दुख च रहिंदा बंदा भी दुखी नहीं होवेगा। भाई गुरदास जी ये बड़ी प्यारी अवस्था का जिक्र अपनी वार दे विच कर रहे ने, आओ पढ़ के पंक्तियां करिए जी समाप्ति। कारण करता जो करे शुक्र।